नॉर्थ विकास परिषद ने कभी ये सोचा नहीं था कि संवैधानिक पद पर विराजमान राज्यपाल के खिलाफ हमको रोड पे उतरना पड़ेगा। बड़ी शर्म की बात है कि संविधान की कसम खाकर आने वाला राज्यपाल, सेक्युलर संविधान में आस्था रखने वाला राज्यपाल, संविधान में दोस्तों दो बार सेक्युलर लफ्ज का जिक्र किया गया, एक हमारे संविधान के प्रस्तावनाओं में ही सेक्युलर लफ्ज है, दूसरा आर्टिकल 25 में सेक्युलर लफ्ज का इस्तेमाल है। तो सेक्युलर संविधान की कसम खाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को माननीय राज्यपाल ये कहते हैं कि आप सेक्युलर हो गए, बड़ी ताज्जुब और शर्म की बात है। और मैं कहती हूँ से दोस्तों, आप सबको पता है लेकिन दोहराने से यादाश्त जो है वो ताज़ा रहती है। ये राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ये उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री है बीजेपी के, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ये आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता हुआ करते थे और आज भी ये जो है आरएसएस का ही काम कर रहे हैं। कल मंदिरें खोलने के लिए बीजेपी द्वारा जो है वो पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया जा रहा था, बीजेपी आंदोलन करती है ये भी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि सेंट्रल में इनकी हुकूमत है, ये अपने आका अपने बाप मोदी से कह देती कि आप सेंट्रल से जो है तो पूरे भारत के मंदिर मस्जिद जो भी धार्मिक स्थल है ये सबको खोल दे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो महाराष्ट्र में एक सेक्युलर सरकार चल रही है, ये सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके के भाजपा काम कर रही है। ठीक है, भाजपा सियासी जमात है, उनको हम समझ सकते कि ये राजकारण कर रहे हैं, लेकिन एक राज्यपाल इस तरीके की हरकत करे ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम आज जो है तो कोरोना से पूरा देश परेशान है और महाराष्ट्र इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आज महाराष्ट्र से ये बीमारी कैसे ख़त्म हो जाए इसकी हम सबको फिक्र करना है। महाराष्ट्र सरकार जो है तो धार्मिक स्थलों को नहीं खोल रही है, इसकी मांग तो हम भी कर रही है, ये हमारा जमहूरी हक है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो है नागरिकों की सुरक्षा देखते हुए जो फैसला ले रही है वो ठीक है, लेकिन हम हमारी डिमांड करेंगे, भाजपा ने भी जो डिमांड करी वो भी जायज है, लेकिन भाजपा अपने आका को यानी कि देश के प्रधानमंत्री के पास भी ऐसी डिमांड करके दिखाए, वो हिम्मत दिखाए कि हमारे महाराष्ट्र का जो है तो पूजा स्थलों को धार्मिक इबादत गाहों को खोल दे, वो वहाँ पर तो हिम्मत नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर सिर्फ राजकारण कर रहे हैं और ये राजकारण भाजपा करे। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जो हम कह रहे हैं कि आप बंद करो होशियारी, आपका आरएसएस का चेहरा बेनकाब हो चुका है, इसलिए हम आज कलेक्टर औरंगाबाद जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के और ये निवेदन में हम डिमांड कर रहे हैं कि आपको अधिकार है कि आप राज्यपाल को बर्खास्त कर सकते हैं और आपने राज्यपाल को बर्खास्त करना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से लोक विकास परिषद से मैं ये एक आह्वान कर रहा हूँ कि आने वाले 5 दिनों में राज्यपाल को बर्खास्त नहीं किया गया तो लोक विकास परिषद पूरे मराठवाड़े में जन आंदोलन छेड़ेंगे। शुक्रिया।